के तौर पे भी क्या करते हैं, काम करते हैं। लिपिड्स आर एक्टिंग एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर के तौर पे क्या करती है, काम करती, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर के, लिपिड्स आर एक्टिंग एज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर। हाउ द लिपिड्स आर एक्टिंग एज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, ये एक्चुअली तौर पर किस तरह से लिपिड्स एक्ट एज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर फॉर नर्व सेल्स, कि ये नर्व सेल्स के लिए क्या होती है, नर्व टिश्यूज के लिए, फॉर द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व पोटेंशियल। इधर लिखेंगे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर नर्व पोटेंशियल को, नर्व पोटेंशियल को क्या करना, क्या करना, इंक्रीज करने के लिए। नर्व पोटेंशियल इंक्रीज होगा थ्रू अ लिपिड, कैसे ये हमने पढ़ा हुआ है, इधर देखेंगे किस तरह नर्व पोटेंशियल को। अब हमारे पास ये मेम्ब्रेन थी, अब इसमें चार्ज बैरियर था, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, ये दूसरा पार्ट, फिर ये तीसरा पार्ट, ये डिफरेंट मसल्स के थे। अब इस साइड पे, इस साइड पे या इस नर्व के अंदर, इस नर्व सेल्स के अंदर पोलराइजेशन ज्यादा है, पहले पढ़ाई थी ना, पोलराइजेशन ज्यादा है, इसमें पोलर पार्ट ज्यादा है। अब पोलर पार्ट ज्यादा है तो चार्ज वैल्यू ज्यादा है, चार्ज वैल्यू इसमें ज्यादा है, पोलर पार्ट ज्यादा है। अब अगर नेक्स्ट देखा जाए नर्व के अंदर या नेक्स्ट सेल्स के अंदर देखा जाए तो क्या आएगा, पोलर पार्ट कम है तो चार्जेस आर यानी मूव फ्रॉम इट्स हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। अब यहां पे क्या होता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा और ये क्या होता जाएगा, डीपोलराइज होता जाएगा, चार्ज कम होता जाएगा। सेम ये क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल का ये हाई, तो चार्ज अब मूव फ्रॉम इट्स हायर पोटेंशियल टुवर्ड इट्स लोअर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ, चार्ज मूव कर गया, अगेन ये क्या हो गया, डीपोलराइज, और ये क्या हो गया, पोलराइज। देन द चार्जेस आर मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू वर्ड नो लोअर कंसंट्रेशन। अब ये क्या होगी, डीपोलराइज, और ये क्या होगी, पोलराइज। देन चार्जेस आर मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू वर्ड लोअर कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया, डीपोलराइज, और ये क्या हो गया, पोलराइज। तो क्या होगा, मेम्ब्रेन या नर्व सेल्स आर ट्रांसमिटेड, कि नर्व सेल्स क्या होती हैं, ट्रांसमिटेड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन, कि जैसे जैसे नेक्स्ट नर्व इंपल्स मूव करती जाएगी तो पिछले वाला क्या होता जाएगा, डीपोलराइज होता जाएगा, और नेक्स्ट क्या होता जाएगा, पोलराइज होता जाएगा। तो लिपिड्स क्या करती हैं, इन सेल्स को इंसुलेट करती है, इंसुलेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस काज करते हैं, और देन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स काज करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लिपिड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट। आप लोगों ने पढ़े लिपिड्स क्या होते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ सेल, सेल की सेल मेम्ब्रेन का भी पार्ट, सेल की सेल वॉल का भी क्या होते हैं, यानी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन हो, इन दोनों का क्या होते हैं, लिपिड्स पार्ट्स होते हैं। अब अगर लिपिड की एग्जांपल देखी जाए कौन सी होगी, दीज आर द फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का ये क्या होते हैं, पार्ट्स होती हैं, और ये क्या करते हैं, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। देन लिपिड्स आर आल्सो एक्टिंग एज अ प्रिकर्सर, प्रिकर्सर, लिपिड्स आर आल्सो एक्टिंग एज अ प्रिकर्सर फॉर टू थिंग्स। वन इज लिपिड्स जो होते हैं ये प्रिकर्सर्स होते हैं किस चीज के, लिपिड आर एक्टिंग एज अ प्रिकर्सर फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल के, एंड लिपिड्स आर आल्सो प्रिकर्सर फॉर हार्मोन, हार्मोन्स भी लिपिड से ड्राइव होते हैं, एंड लिपिड्स आर आल्सो प्रिकर्सर फॉर द वाइटामिन्स के, वाइटामिन से भी। अब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में भी लिपिड इन्वॉल्व है, हार्मोन कौन कौन से लिपिड डेरिवेटिव है, ऑल गुनेडो ट्रोपिन हार्मोन,
जितने भी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं, दीज आर एक्टिंग एज अ प्रीकर्सर, ये प्रीकर्सर के तौर पे एक्ट करेंगे, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, इसी तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, इसी तरह से क्या होगा यानी क्या होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसी तरह से क्या हो जाएगा दैट इज यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अलावा देखा जाए प्रोजेस्टेरोन. तो दीज आर द डिफरेंट हार्मोन विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द गोनेडोट्रोपिन और गोनेड. अब वाइटामिन देखे जाए तो वाइटामिन ए बी ई एंड के, तो ये क्या होंगे दीज आर द वाइटामिन विच आर सिंथेसाइज फ्रॉम द लिपिड आर कोलेस्ट्रॉल. तो ये डिफरेंट प्रीकर्सर्स के तौर पे क्या करते हैं एक्ट करते हैं. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है सारा. अब है प्रिवेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ सब्सटेंस. प्रिवेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, प्रिवेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड अदर सब्सटेंस के एब्जॉर्प्शन और बाकी सब्सटेंस को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं. अब किस तरह से ये क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं. अगर कोलेस्ट्रॉल देखा जाए, अब कोलेस्ट्रॉल और अदर लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल या बाकी लिपिड्स देखे जाए, इट इज प्रेजेंट इन अ स्किन का स्किन के अंदर. अब ये स्किन के अंदर मौजूद होता है, स्किन के अंदर क्या काज करता है, रेजिस्टेंस काज करता है. रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट? रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, अगेंस्ट द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस और इलेक्ट्रोलाइट. कैसे? देखिए स्किन के तौर पे, स्किन के अंदर बैरियर, लिपिड जब स्टोर होता है स्किन के अंदर बैरियर के तौर पे इन्वॉल्व होता है. तो वैक्स के थ्रू सब्सटेंस रिलीज ना हो जाए उसके अंदर क्या काज करता है, उसके लिए हाईली रेजिस्टेंस काज करता है. लिपिड्स काजिंग द हाईली रेजिस्टेंस अगेंस्ट द क्या हो जाएगा वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स और अदर केमिकल थ्रू आवर स्किन के, स्किन के थ्रू वो मूव ना कर जाए. इज इट क्लियर? हाँ जी. अब एक और का, कोलेस्ट्रॉल हो या लिपिड हो, जो स्किन में मौजूद होता है वो एवेपोरेशन के प्रोसेस को, एवेपोरेशन को भी डिक्रीज करता है. एवेपोरेशन प्रोसेस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ताकि यानी क्या हो, वाटर ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो और बॉडी से वाटर लॉस ना हो, उसको क्या किया जा सके प्रोटेक्ट. हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? तो कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ये. चले, क्लियर हो गया सारा कुछ फंक्शन वगैरह? यस सर, क्लियर है. ओके जी, आई थिंक लास्ट मिनट है. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर.